पता टेक बिला में, मैं उस शाम का दोस्त है उस टेक्निकल दोस्तों। आज हम फिर आपके सामने एक नए तरीके से आए हैं और इस बार मैं जो है आपको एक स्टोरी टेलिंग बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। कई यूट्यूबर्स जो हैं कि ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि कॉमन लाइसेंस जो है, कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस के द्वारा आप पैसे कमा सकते हैं, बिना वीडियो बनाए किसी और के वीडियो बना के आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ही गलत रास्ता है। बहुत ही अगर आप मेहनत करके सालों साल जो है हम मेहनत करते हैं, और क्योंकि यूट्यूबर ऐसा है कि एक बूंद बूंद से अपना घड़ा भरने की कोशिश करता है और हर डे मेहनत करता है, हर डे वीडियो बनाता है, एडिट करता है, दिन भर उस रिपोर्ट को देखता रहता है, और सब देखने के बाद में, मेहनत करने के बाद में अगर उससे कुछ हासिल ना हो तो उसकी जो निराशा होती है उसको आप बिल्कुल बयां भी नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ हो सकता है या हर किसी यूट्यूबर के साथ होता है, लेकिन 80% यूट्यूबर के साथ ऐसा होता है जिसके बीच में कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस जो है। मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है फॉलो कर रहा हूँ, जिनको लोग अफवाह फैला रहे हैं कि कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं बिना आप अपने वीडियो बनाए। बिल्कुल सही भी है और गलत है। सही इस तरीके से है कि ऐसा होता है, ऐसा यूट्यूब ने पॉलिसीज बनाई हुई है, लेकिन क्योंकि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है आपको बेसिकली, अभी तक यूट्यूबर ने ऐसी कोई भी जेन्युइन पॉलिसी नहीं बनाई है जिसके तहत ये पता चल सके कि कौन क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में है। जेन्युइनली वीडियो जो डाले गए हैं कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस में, वो वाकई में आप यूज जो कर रहे हैं वो वही वीडियो है या नहीं है। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही, मैं अभी से वार्निंग देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे एक बहुत ही खास मित्र है जिसने ऐसा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को यूज किया, और मैं भी सोच रहा था चलो अच्छी बात है कि भाई इससे पैसा कमा लेगा। उसके अप्रोक्स 5 से 6 लाख उसके जो है सब्सक्राइबर हो गए थे, और व्यूज तो आप कहेंगे तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, व्यूज बहुत मिल रहे हैं। व्यूज मिलने के लिए आपकी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप दूसरे कंटेंट को उठा के अपने वीडियो में डाल रहे हैं और उसको कोई नया नाम लेके या कुछ क्रिएटिव उसमें करके और उसको आप डाल रहे हैं। लेकिन 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 होता यही है कि वो शो होगा या टीवी होस्ट होगा या टीवी सीरियल होगा या हो सकता है कोई सॉन्ग हो, बॉलीवुड सॉन्ग हो, उस सॉन्ग को क्योंकि जिसने बनाया है, जिस जो बड़े बड़े ब्रांड है, टी सीरीज है या बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है, जो उन म्यूजिक को या उन मूवीज को या उन वीडियोज को बनाते हैं, वो कभी क्रिएटिव कॉमन में नहीं डालेंगे। आप खुद सोचिए, जो बड़े बड़े यूट्यूबर, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस, अगर वो उनको यूट्यूब में क्रिएटिव कॉमन में ही डालना होता तो वो खुद अपनी चैनल खोल के उस वीडियो को अपनी चैनल में डाल के मोनिटाइज करके पैसे क्यों कमाते। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जो मेरे दोस्त के साथ हुआ है वो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। उसके जो है 7-8 लाख, जो अगर आपके 6 लाख के अप्रोक्सीमेटली व्यू हो गए थे और सब्सक्राइबर हो गए थे, और ऐसे टाइम पे 1 मिलियन व्यूज के आसपास उसके व्यूज होने ही वाले थे, और पेमेंट जो है उसका वेरिफिकेशन हो चुका था, पेमेंट भी आनी थी, एडसेंस से सब चीजें हो चुकी थी, लेकिन बीच में ही उसका अकाउंट बिना बताए सस्पेंड हो गया, और उसका अकाउंट डिलीट हो गया, सस्पेंड हो गया, और वो दोबारा आप यूट्यूब में कदम नहीं रख सकता है। अब आप बताइए क्या करेंगे। इस समय जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आज बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, जब आपकी अकाउंट सस्पेंड होगी या आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट की जो स्ट्राइक पड़ेगी, क्रिएटिव कॉमन के कारण जो आपकी स्ट्राइक पड़ेगी, उस समय आपके पास कोई भी यूट्यूबर ये नहीं आएगा बोलने कि नहीं हमने बोला था, आपने यूज किया है, आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपका सस्पेंड वापस, सस्पेंडेड अकाउंट वापस दिला दें। इसलिए आप इस चीज में गलतफहमी में बिल्कुल मत रहें। मैं आपसे हमेशा हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि ऐसा आप बिल्कुल दिमाग में ना रखें कि फ्री फोकट में आप जो है किसी और का वीडियो यूज करके अपने पास पैसे कमा सकते हैं। ये जेन्युइन तरीका नहीं है पैसे कमाने का। मैं आपको जो बोलूंगा, दूसरे लोगों के कंटेंट को उठा के अपने में सोचना, और क्योंकि इसमें होता वही है कि कब आपकी कौन से वीडियो कौन फ्लैग करवा दे, कौन रिपोर्ट कर दे, हो सकता है बड़े प्रोडक्शन हाउस है जिनके पास कंटेंट आईडी है, वो आपको कहीं पर भी बैठ के, कहीं अपनी किसी भी जगह पे दूर के दराज में बैठ के वो एक बटन दबाते ही साथ आपके अकाउंट को डिलीट करा सकते हैं, जिसमें आपने 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल दिया और वो अकाउंट आपका एक बार में उड़ जाए, तो वो आपकी बहुत ही बड़ा धक्का हो सकता है जिसको आप सह ना पाए या उल्टा सीधा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज पे आप ध्यान मत दें, अपने खुद से बनाएं, भले आप कुछ ना बनाएं, कम से कम बनाएं, जैसा आपके पास साधन है, जैसे आपके पास चीजें हैं, उसी के साथ वीडियोस बनाएं और आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि हमारे इधर जो कंटेंट डले हैं वो सब्सक्राइब करने के लायक है, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।